Chucky B. हाय गाइज, मेरा नाम है संदीप। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Xiaomi .eu के लेटेस्ट बीटा रोम के बारे में, जो कि MIUI 12.6 के ऊपर बेस्ड है। सो इस रोम को मैंने यहां पे इंस्टॉल कर लिया है Redmi K20 Pro के ऊपर और आज पूरा दिन इस रोम को यहां पे यूज़ किया है। इसका जो आपको बैटरी बैकअप है, परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कुछ चेंज लॉक के ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन की। तो अबाउट फ़ोन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो MIUI 12.6 मिलता है बाय Xiaomi.eu और जो बीटा वर्जन है वो आप चेक करोगे तो 21.4.7 बीटा हो चुका है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका अपडेटर यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर और व्हाट्स न्यू के अंदर आपको यहाँ पे टोटली सारा चेंज लॉग देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप यहां पे गौर करोगे तो थोड़े से आपको फिक्सेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, न्यू फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलते। कुछ गैलरी के अंदर आपको न्यू फीचर मिलते हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया था MIUI 12.5 के अंदर। सो उस गैलरी को यहां पे अभी अपडेट कर दिया है तो उसके अंदर थोड़े आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो वैसे कोई आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपको सभी फिक्सेस देखने को मिलते हैं। डिवाइस टू डिवाइस वेरी करते हैं सभी फिक्सेस। सो ये चीज़ आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। आ जाते हैं Redmi K20 Pro के ऊपर Xiaomi.eu के लेटेस्ट रोम के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी क्लिप देख लो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये नोटिफिकेशन बग आपको देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप से फ्लिकरिंग वगैरह होती रहती है। और सेम चीज़ मैंने इसी सेम बिल्ड के ऊपर जो मैंने अभी फ्लैश किया है इसके ऊपर भी मैंने नोटिस की है, तो ये चीज आपको बग देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसे फ्लिकरिंग वगैरह का इशू आ सकता है। सो अगर आपके भी डिवाइस के अंदर अगर आप इस रोम को यूज कर रहे हो तो ये इशू है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हो। कुछ ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, सभी ऑलमोस्ट सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फीचर्स आपको ज्यादा न्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाले। सबसे पहले यहाँ पे कैमरा की बात कर लेंगे तो कैमरा आपको सेम देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा मोड्स वगैरह आपको नहीं मिलते। वीडियोस आप 4K 60fps और ऑलमोस्ट सभी मोड्स आपके इस रोम के ऊपर वर्किंग है। बाकी आपको मैं डिवाइस का सर्टिफिकेशन चेक करवा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। और सेटिंग के ऊपर चलते हैं। यहां पे अबाउट फोन के अंदर आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलेगा। सो विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स इस बिल्ड के ऊपर यूज कर सकते हो और मैजिस्क वर्जन आप यहां पे चेक कर सकते हो, अपडेटेड आ चुका है बट मैंने इसको अपडेट नहीं किया और इसके अंदर अटेस्टेशन आपका फेल आ जाएगा। सो इन केस अगर आप रूटेड कंडीशन के अंदर इसको यूज करना चाहते हो तो आपको मैजिस्क हाइडिंग इनेबल करना पड़ सकता है। बाकी DRM इन्फो के अंदर आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट इस डिवाइस के ऊपर मिल जाएगा। सो ऐसे कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको काफ़ी परफेक्टली वर्किंग मिल जाएंगी। सो चेंजेस आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। सो जो लास्ट एंड टू बेंचमार्क स्कोर आया था वो इसके प्रीवियस अपडेट के ऊपर 5,20,000 के ऊपर था और इसको मैंने रन किया तो 5,15,000 के आसपास मिलता है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्कोर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आने वाला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप इस रोम के ऊपर ले सकते हो। और मैंने पबजी ट्राई किया था, वो तो यहाँ पे जो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के ऊपर 59 से लेकर 60 के बीच में ही फ्रेम रेट मुझे देखने को मिला था। सो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है पबजी के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी है, उसके बारे में बात करेंगे पबजी की। बट यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो कुछ इस टाइप से, मैंने यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर रखा है। थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अगर यहाँ पे इस टाइप से रीसेंट मेन्यू चाहते हो, अगर आप अपने डिवाइस को ऐसे कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको रीसेंट मेन्यू वगैरह इनेबल करना है प्योर iOS टाइप, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हो, डेडिकेटेड वीडियो आपको इस टॉपिक के ऊपर जरूर से मिल जाएगी। अब आपको मैं इस रोम के ऊपर बैटरी बैकअप एक बार चेक करवा देता हूँ कैसा मैंने बैटरी बैकअप यहाँ पे गेन किया है। वैसे चार्जिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप 18W फास्ट चार्जर से इसको डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो, कोई भी आपको इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। अब आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने लिया था इस रोम के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये देख सकते हो मुझे जो टोटल टाइमिंग मिला था स्क्रीन ऑन टाइम वो 8 घंटे के आसपास मिला था और स्टिल 19% बैटरी मेरा लेफ्ट था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो
उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ एक बग आपको ये भी देखने को मिलेगा, जब आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको यहाँ पे जो है ये आपका नेविगेशन पिल है वो भी बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अंदर पबजी मैंने खेला और नॉर्मल बाकी इसको यूज़ किया, सो बैटरी बैकअप काफ़ी एक्सीलेंट आपको देखने को मिलेगा, कोई भी बैटरी के अंदर आपको इशू नहीं आने वाला। रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। चलो गाइज अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। सो अगर आपको मैं यहाँ पे ओवरऑल गेमिंग बताऊँ तो गेमिंग काफ़ी अच्छी है, बट ओवरऑल जो है मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर लेना, और अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो ज़रूर से यार वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना अगर आपको पसंद आए। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आप FPS मीटर आप लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हो, ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा। जो FPS मैंने यहाँ पे सैनहॉक के अंदर मैचेस खेले थे, 3-4 मैचेस मैंने ट्राई किया आज पूरे दिन के अंदर, और वहाँ पे जो FPS था वो 58 से लेके 60 के अराउंड ही देखने को मिला था। एवरेज FPS आपको जो है 55 के आसपास आप मान सकते हो, 56-55 के आसपास। सो मुझे काफ़ी स्टेबल FPS देखने को मिला था, इवन क्लोज रेंज के अंदर भी या फिर क्लोज फाइट के अंदर वैसे कोई आपको इशू नहीं आएगा, काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, कोई आपको हीटिंग इशू इस रोम के ऊपर नहीं फेस करना पड़ेगा गेमिंग के साथ। और गेमिंग के साथ जो बैटरी बैकअप है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के ऊपर वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। सो ये सभी चीज़ें मिला के आपको एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा MIUI 12.6 के लेटेस्ट फीचर्स के साथ। सो ये जो रोम है ये काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल है, सो होपफुली जितने भी एंड्रॉयड 11 के ऊपर रनिंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। सो मुझे कोई Redmi K20 Pro के अंदर तो इशू नहीं आया, बट आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने डिवाइस के ऊपर चेकआउट कर सकते हो इस रोम का गेम प्ले वगैरह, FPS मीटर के अंदर आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे काफ़ी स्टेबल FPS मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो होपफुली ये वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और जो बग्स वगैरह मैंने आपको बताए तो वो आपको यहाँ पे जो है फेस करने में भी पड़ सकते हैं। सो आप कमेंट करके बताना अगर आपने उनमें से एक भी बग यहाँ पे फेस किया हो या फिर नहीं। सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।